इंदौर शहर में शुक्रवार को कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला और बीजेपी पूर्व पार्षद नीता शर्मा के बीच हुई बहस को लेकर बीजेपी कांग्रेस सामने सामने होती नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व पार्षद नीता शर्मा का पुतला दहन करने के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लेते हुए थाना एरोड्रम पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। गौरतलब है कि इंदौर की ओम विहार क्षेत्र की समस्याओं को लेकर भाजपा की पूर्व पार्षद नीता शर्मा के साथ अभद्रता और पुतला दहन किया गया था, जिसके विरोध में शनिवार को बीजेपी की महिला मोर्चा ने मोर्चा संभालते हुए बड़ी संख्या में बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ता एरोड्रम थाने पहुंची और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। कल जो कांग्रेस पार्टी के विधायक संजय शुक्ला जी ने जो कारनामा किया है, माँ अहिल्या की नगरी में वो रहते हैं, हम लोग भी माँ अहिल्या की नगरी में रहते हैं और माँ अहिल्या स्वरूपा जो महिलाएं यहाँ रहती है उनका जो अपमान किया है, गाली गलौज की है, उनको जान से मारने की धमकी दी है, उनको काम करने से रोका है, उनके पुतले जलाए गए हैं, वो भी 144 धारा रहते हुए। तो इसलिए हमने ये सब लिखित में आवेदन दिया है कि संजय शुक्ला जी को गिरफ्तार करें, जो धाराएं बनती उन पे बनती है उस पे आधार पर इन पे FIR दर्ज करके गिरफ्तार इनको तुरंत किया जाए। ये मांग करते हुए ये भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा माँ अहिल्या की नगरी में जहाँ 8 बार सांसद सुमित्रा महाजन जी यहाँ की सांसद रही, महापौर मालिनी गौड़ रही, महापौर उमा शशि शर्मा रही, ऐसे महिलाओं ने यहाँ का इंदौर का नाम रोशन किया है। स्वच्छता में 5 बार इंदौर 5वीं बार आने वाला है और ऐसे शहर में कांग्रेस के ये गुंडागर्दी वाले ये जो बयान, ये जो गालियाँ बकते ऐसे विधायक की विधायिका समाप्त करने के लिए अब आगे लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। और ऐसे अभी थाने पे हमने उन्हें बोला है, हम कार्रवाई करेंगे, पूरी जो भी है पूरी कार्रवाई करेंगे, जो उन्होंने बोला है उस पे धाराएं लगाते हुए उसके पर कार्रवाई हम करेंगे। अगर ये आज कार्रवाई नहीं करते तो कल फिर हमारा महिला मोर्चा इससे भी 4-5 गुना संख्या में हम यहाँ आएंगे और धरना देंगे अगर ये कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं। तो ऐसे कांग्रेस पार्टी महिलाओं को अपमानित करती है, इसलिए कांग्रेस से महिला जुड़ना नहीं चाहती है। और ये जो कांग्रेस पार्टी के लक्षण देख रहे हैं, जनता ये देखे कि कांग्रेस पार्टी के विधायक कैसे महिलाओं का अपमान करते, कैसे सरेराह उनको गाली बकते हैं, ये जनता भी देखे और इनको अगली बार विधायक को विधायक के लिए टिकट नहीं दे और इसको यहाँ पर हराना चाहिए 1 नंबर विधानसभा में। ये जनता को भी सोचने वाली बात है, जो विधायक महिला का अपमान कर रहा है उसको विधायक रहने का क्या अधिकार है। तो समस्या के लेके हमारी पार्षद भी गई थी, पार्षद को काम करने से रोक रहे, वो क्यों रोक रहे पार्षद को काम करने से? अगर आपको पता था तो पहले क्यों नहीं गए, 1 महीना तक क्यों बैठे रहे आप लोग? वो भी काम करने के लिए गई थी, उसको क्यों रोका, उसको गाली गलौज क्यों की? वो भैया भैया करके हाथ जोड़ रही है कि भैया मैं मत करो ऐसा मत, फिर भी उसको गाली बक रहे, तो इसका क्या अर्थ होता है? एक पुरुष को ऐसी गाली बकना महिलाओं के सम्मान में, उनके घर में भी माँ बहन है, गाली बकते हैं क्या माँ बहन को? हम हर महिला इंदौर की हमारी माँ बहन भाभी सभी है, तो इनका सम्मान हम चाहते हैं। और संजय शुक्ला जी को भी याद दिलाना पड़ेगा कि ये अपमान हम नहीं सहेंगे, आगे ये सोच समझ के महिलाओं से बात करें। में जो ये घटना घटी है यहाँ पे, जो पार्षद है भारतीय जनता पार्टी की नीता शर्मा, बहुत ही शालीन महिला है, जो संगठन का काम करती है, क्षेत्र में काम करती है और सतत जनता के बीच में रहती है, सारे कार्य को करती है। लेकिन कांग्रेस के अंदर महिलाओं का सम्मान नहीं है, इसलिए एक पेरोल पे छूटा गुंडा बच्चा यादव को लेके नीता शर्मा का पार्षद का उनने पुतला जलाया है, इसलिए यह सारा महिला मोर्चा यहाँ इकट्ठा हुआ है कि जो कल आवेदन हमने 2 दिए थे उन पर क्या कार्रवाई की है, और यदि कार्रवाई नहीं की है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए और दोनों को और उनके साथ में जो भी थे सबको गिरफ्तार करके और महिला से जो अभद्रता की है उसके लिए तुरंत कार्रवाई करके इनको जेल में डालना चाहिए और इनकी तो ऐसी CR लिखना चाहिए कि कभी ये जीवन में किसी दल में जाके राजनीति नहीं कर सके, क्योंकि इन्होंने एक महिला के साथ अभद्रता की है। महिला माँ समान होती है, बहन समान होती, बेटी समान होती, इनके घरों में माँ बेटियाँ नहीं है क्या जो महिलाओं का अपमान करते हैं? इसीलिए मैं पुनः इस बात को दोहराती हूँ कि हमारी जो अध्यक्ष ने अभी बात कही है कि कांग्रेस में महिला नाम नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर महिलाओं का सम्मान नहीं है, इसलिए वो महिला नहीं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ऐसे परिवारों की महिलाएँ जिनके नाम प्रतिष्ठित शहर में, देश में, विदेशों में नाम है, ऐसे परिवारों की महिला
भारतीय जनता पार्टी में काम करती हूँ, उठाई गिरी रोड छापनी है। अभी हमने सारी जो हमें उनको दिए वीडियो क्लिपिंग, उसमें जो भी गाली दे रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, अश्लील हरकतें कर रहे हैं, इन सब के लिए हमने TI साहब से निवेदन किया है कि 294/506/34B और 354 जो महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया है, सारी धाराओं में कार्रवाई होना चाहिए। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि BJP की पूर्व पार्षद नीता शर्मा द्वारा इस पूरे मामले को लेकर आवेदन दिया गया है, जिसमें ओम विहार कॉलोनी के रहवासी को ड्रेनेज और जल जमाव को लेकर समस्याएं आ रही थी। उसको लेकर कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला और भाजपा की पूर्व पार्षद नीता शर्मा के बीच बहस हो गई, जिस पर पूर्व पार्षद नीता शर्मा द्वारा थाना एरोड्रम पर आवेदन दिया गया है। थाना प्रभारी ने इस पूरे मामले की जांच कर वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही है। नीता शर्मा जी के द्वारा आवेदन दिया गया था, जो कि पूर्व पार्षद हैं। कल यहाँ कुछ रहवासियों की कुछ समस्या थी, ओम विहार जो कॉलोनी है वहाँ पे पानी की निकासी को लेके, तो वहाँ ये लोग आए हुए थे, तो वहाँ इनकी कुछ आपस में बातचीत हुई है, तो उसके संबंध में इनके द्वारा जो आवेदन दिया गया है, तो आवेदन पर हम जाँच में लिया है, उसमें जाँच कर रहे हैं, और जो भी उसमें वैधानिक कार्रवाई होगी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।